हे गाइस वेलकम टू अभिननी आउट ऑफ ब्लॉग मेरा नाम है अभिषेक एंड टुडे आई हैव अ गुड अपडेट रिगार्डिंग दी ऑल न्यू रेनो ट्राइबर रेनो ट्राइबर एक ऐसी कार है जिसने लॉन्च होने के बाद हैचबैक कैटेगरीज की काफ़ी कार्स की जो सेल्स है उसको काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर दिया था ड्यू टू इट्स प्राइसिंग और वहीं कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए क्योंकि ये है एक सेवन सीटर कार जिसको आप एज अ फाइव सीटर फोर सीटर सिक्स सीटर और सेवन सीटर भी यूज कर सकते हैं वहीं इसका जो क्रैश टेस्ट है वो ग्लोबल इनके अंदर हो गया है, जहां पर इसने स्कोर किए फोर स्टार रेटिंग फॉर अडल्ट ऑक्यूपेंसी एंड थ्री स्टार फॉर दी चाइल्ड ऑक्यूपेंसी जो कि एक प्राउड मोमेंट है फॉर दी रेनो वहीं मैं आप लोगों को बता दूं कि रेनो ट्राइबर क्विड के प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है और इस प्लेटफॉर्म पर जब क्विड को टेस्ट किया गया था बाय ग्लोबल कैप तो ये सबसे ज्यादा अनसेफ कार मानी गई थी बट ओवर द ईयर्स रेनो ने काफ़ी ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया और इसको एक फोर स्टार सेफ्टी रेटिंग रीच करने में काबिलियत बनाया वहीं ग्लोबल एन कैप टेस्ट होने के बाद रेनो ड्राइवर की जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि अब ये उस कैटेगरी के अंदर आ गई है जिसमें काफ़ी ज़्यादा सेफेस्ट कार्स आते हैं जैसे थार पोलो मराज़ो ब्रेजा टियागो टिगोर जो कि फ़ोर स्टार सेफ्टी रेटिंग रीच करती हैं सो गाइज आप मुझे कॉमेंट करके बताएँ कि आपकी क्या राय है रेनो ड्राइवर के फोर स्टार सेफ्टी रेटिंग रीच करने के बाद क्या अब इसकी डिमांड इंक्रीज़ होने वाली है अगर आपको एक सेफेस्ट कार चाहिए और सेवन सीटर चाहिए तो क्या आप इस कार को कंसीडर करेंगे ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं बाकी वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेल देन टेक केयर बी सेफ एंड बाय